आगे बढ़ते जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जैसा आप लोग मालूम है कि जो हमारे पूरे मंडल के जितने भी ऐसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे उनको L1 अस्पताल हम लोगों ने वाराणसी में रखा था। हमारे जो जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली और वाराणसी के जितने भी L1 केसेस थे, जो कोविड के 19 के जो प्रथम स्टेज के पेशेंट थे, उनको सबको यहीं रखा गया था। और आज उसी क्रम में आज हमारे 11 पूरे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव थे पूरे हमारे मंडल से, उसमें चंदौली से तो कोई केस नहीं था, जौनपुर, गाजीपुर और हमारे वाराणसी के 11 केसेस ऐसे सब ठीक होके आज अपने अपने घरों को गए, होम क्वारंटाइन को गए हैं। तो उनका प्रोत्साहन कि वो लोगों ने इस लड़ाई को जीता और एक हिम्मत से काम लिया। और साथ साथ जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स और वार्ड बॉय जिन्होंने टीम ने दिन रात मेहनत करके इन लोगों को आज भेजने में सफलता प्राप्त की, उनका ही प्रोत्साहन करने के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिससे कि उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। अब हम लोग के केवल 7 पेशेंट इस L1 अस्पताल में हैं और हमारी पूरी हमें पूरा विश्वास है कि इनको भी हम लोग शीघ्र ठीक करके इनको अपने अपने घरों को ले जाएंगे। सर, कितनी खुशी की बात है कि जिस तरीके से लोगों के बीच एक घबराहट यहाँ पर खुश होकर अंतिम विदाई। ऐसा है कि जैसा कि कहा कि कोविड 19 की बीमारी में शुरू से था कि आप पैनिक मत कीजिए, प्रिकॉशन रखिए, उसी दिशा में था कि भाई अगर जो पेशेंट हम लोग का पॉजिटिव पाया जाता है और उसको हम लोग शीघ्र से शीघ्र अगर L1 अपने फैसिलिटी में ले आ रहे हैं और उसका जो भी मानक है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करके वापस कर दे रहे हैं। और अभी तक हमारे केसेस, हालांकि एक भी डेथ अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे पूरे मंडल में केवल अभी तक एक डेथ हुई है और बाकी सारे पेशेंट अभी वर्तमान में हमारे सब खतरे से बाहर हैं। तो एक ये मनोबल बढ़ना चाहिए कि कोविड 19 से हम लोग को प्रिकॉशन जरूर रखना, लेकिन उससे डरना नहीं है। अगर पॉजिटिव कोई का सिम्टम्स है तो इसी आपके माध्यम से ही आह्वान करना चाहूँगा, कहीं कोई सिम्टम्स है तो बिना किसी भय के हमारे L1 अस्पताल में आके फ्लू क्लिनिक में पहले चेक करा लें। उनका सैम्पलिंग हम लोग करा रहे हैं, हम लोग सैम्पलिंग अब रैंडम भी कराना शुरू कर दिए, हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कराना शुरू कर दिए हैं। तो जिसको भी थोड़ा सिम्टम है वो आके अपना चेक करा ले और अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम लोग फिर अपने यहाँ पर फैसिलिटी में रखेंगे। और इसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती भी है तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इसके बाद एक L2 की फैसिलिटी बनी हुई है जिसमें सारे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सब उपकरण हैं। और उसके बाद भी हमारी अगर स्थिति और किसी के ख़राब होती है, भगवान ना करे, तो फिर हमारी L3 हॉस्पिटल जो है BHU में ऑलरेडी पूरा बना हुआ, हम लोग उसका भी तीसरी बार आज मुआयना करके भी आए हैं और वो पूरा फुली इक्विप्ड है किसी भी क्रिटिकल केयर के लिए। तो इसमें कोविड 19 से घबराना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन अवश्य रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है और किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो तत्काल हमारे क्लिनिक में आने का मैं आह्वान करता हूँ।